चलिए आपने अगर नाम नहीं ले लिया, एक सवाल और उभर के आता है सर, आपने कह दिया कि सोशल मीडिया वाले ही खुद जज कर देते हैं, अभी अब बात कर लिया जाए, एनएसए लग गया है एक सोशल मीडिया वाले पत्रकार को, ये क्या है, एनएसए लगना उचित है या नहीं? नहीं, वो तो गलत, एनएसए जो लगा है उनको लगा है ना, मनीष जी, मनीष कश्यप को ही बात कर, जो कि हम एक यूट्यूबर होने के नाते, समझिए यूट्यूबर पत्रकार होने के नाते मैंने आपसे सवालात कर दिया, वो इतने बड़े आरोपी नहीं है कि उन्हें एनएसए लगाया जाए, वो गलत लगा है। डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हम लोगों पे कभी लग जाए, तो इसलिए मन में सवालात उठने लगता है। अब ये प्रक्रिया तो गलत शुरुआत तो हो ही गई है, अब भाई उन्होंने गलत लगाया, एनएसए नहीं लगाना चाहिए, इतनी बड़ी, अब कितने लोग बड़े बड़े अपराधी हैं उन पे एनएसए नहीं लगा है, उन पे एनएसए लगा है तो हमारे हिसाब से तो ठीक नहीं है। एनएसए किन किन धाराओं में लगता है और कैसे कैसे अपराधियों को लगता है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है ये बड़े अपराधियों पे लगता है, आतंकवादियों पे लगता है या हीनियस क्राइम पे लगता है, ये जिसे देशद्रोह कहा जाए, देशद्रोह कहा जाए, हीनियस क्राइम मतलब बहुत बड़े क्राइम पे लगता है। अब इस पे अगर मनीष कश्यप जी को अगर एनएसए लगा है तो ये कुछ हमारे समझ के परे है। क्या लगता है सर कि ये सब क्या हो रहा है? एक देखा जाए चौथा स्तंभ भी कहा जाता है और सोशल मीडिया पे एक अलग लोग आए हैं, ठीक है पत्रकारिता करना एक अलग चीज, लेकिन हर अगर बड़े बड़े चैनल से लेकर छोटे छोटे चैनलों पर भी दिया जाए तो यूट्यूबर मनीष कश्यप करके आ रहा है कि लग गया एनएसए, देशद्रोही है, क्या माइक उठा देना देशद्रोह बन जाएगा सर? नहीं नहीं, माइक उठा देना देशद्रोह नहीं है, आप चौथे स्तंभ है, आप लोग सम्मानित आदमी है, सम्मानित पर्सन है, और इस तरह का आरोप गलत है अगर लोग लगा रहे हैं। ये भी तो न्यायालय ही लगाया है ना सर, चलिए आप न्यायालय पे हमेशा, हमें लगता नहीं न्यायालय लगाया, एनएसए न्यायालय नहीं, एनएसए सरकार लगाती है, सरकार लगाती है, तो सरकार से कहीं ना कहीं तकलीफ है, तभी तो अभी आप बता सकते हैं, हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जानते इसमें मामला है क्या। एनएसए सीधा तौर पे देशद्रोहियों को लगता है क्या सर? हीनियस क्राइम पे लगता है। चलिए अगर इनसे कब तक हट जाएगा सर, ऐसा कुछ है होता है आप लोग के तौर तरीके से? प्लीज इस पे नहीं, आप टॉपिक पे आइए। टॉपिक से ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, चूंकि क्या होता है कि आपने नाम ले लिया इसलिए मैंने रख दिया।